हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉटन की डाइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरह से की जाती है, कौन कौन सी डाइज़ हैं जिसको हम कॉटन की डाइंग के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले कॉटन की डाइंग डायरेक्ट डाई से किस तरह से की जाती है। जब भी कॉटन फैब्रिक को हम डायरेक्ट डाई से डाई करते हैं तो उसकी दो प्रोसेस हैं। एक तो है प्रिपरेशन ऑफ डाई बाथ, मतलब जो लिक्कर जिसमें हमने कलर करना है उसको तैयार किया जाता है। फिर सेकंड प्रोसेस है डाइंग, जिसमें कि एक्चुअल डाइंग का प्रोसेस होता है, मतलब फैब्रिक को रंगा जाता है। जो पहला प्रोसेस है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ डाई बाथ, उसमें क्या करेंगे, डाई का जो हमारा रंग है उसका हम एक पेस्ट बनाते हैं, थोड़ा सा पानी लेके और सोडा ऐश लेते हैं हम, ठीक है। जब हमने पेस्ट बनाना तो उसके लिए हम बॉइलिंग वाटर लेते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी को उबाल करके, ठीक है। फिर उसकी कांस्टेंट स्टीरिंग करते हैं ताकि उसमें लम्स गांठे वगैरह ना बन जाएं, ठीक है। और हम कुछ स्टॉक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भी हम पहले से बना के रखते हैं ताकि हमारे पास इंस्टेंट हम डाइंग के लिए हमारे पास काम आ जाएं। सेकेंड प्रोसेस है जो कि मेजर प्रोसेस है कि डाइंग का जो प्रोसेस है, ठीक है। तो डाई बात तो हमने बना लिया था पहले, ठीक है, डाई लेके और सोडा ऐश लेके, है ना। कितना सोडा ऐश लिया था हमने, 0.5 से लेके 1% तक हमने सोडा ऐश लिया और पानी लिया, तो रिक्वायर्ड हमारे पास एम रेशो एल बन गया। एम रेशो एल क्या है, मटेरियल टू लिक्कर रेशो, ठीक है। मटेरियल जो हमारा फैब्रिक है और लिक्कर जो हमने डाई बात का बनाया, मतलब पानी और डाई का मिश्रण है, ठीक है। फिर हमने मटेरियल को क्या, डाई बात का 40 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर रहता है, उस पर हम मटेरियल को, मतलब फैब्रिक को डाई बाथ में डालते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए उसकी डाइंग करते हैं। फिर कुछ कॉमन सॉल्ट डाले जाते हैं, 10-15 मिनट के अंतराल में इनको हम डालते हैं, ठीक है। और ये 5 से 20% होते हैं ये मटेरियल के, और लाइट से, मतलब हैवी शेड होगा तो हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा, लाइट होगा तो कम डालते हैं हम, ठीक है। और टेम्परेचर जो है फिर हम धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, 45 से 60 मिनट में हम उसको बॉइलिंग तक लेके जाते हैं जिससे हमारी डाइंग हो जाती है। फिर उसको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डाई से हम मटेरियल को निकाल लेते हैं, उसको निचोड़ा जाता है, सुखाया जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक फिक्सिंग एजेंट लगा दिया जाता है ताकि डाई कलर जो है एकदम से फिक्स हो जाए, बाहर ना निकले, आफ्टर वॉशिंग जो है वो कलर ना निकले उसका। अब रेसिपी क्या क्या थी, एक तो हमने डाला, हमने डायरेक्ट डाई स्टफ डाला, जो डाई हमारा कलर मटेरियल था वो डाला, एक्स परसेंटेज, एक्स मतलब ये वेट ऑफ फैब्रिक पे डिपेंड करता है हमने कितना केजी फैब्रिक लिया है। सेकंड आ गया सोडा ऐश, सोडा ऐश भी 0.5-1% होता है, किसके 1% होता है, वेट ऑफ फैब्रिक के। उसके अलावा हम कुछ कॉमन साल्ट डालते हैं, लाइट शेड के लिए हम 5% डालेंगे, मीडियम के लिए 10% और डार्क शेड के लिए हम 20% डालते हैं, किसके, जो हमारा फैब्रिक का वेट है उसके अकॉर्डिंगली। टेम्परेचर हमने इनिशियल 40 डिग्री सेल्सियस रखा था, फिर उसको बॉयल तक ले जाएंगे, और टाइम हमारा डाइंग का टाइम है 45 से लेके 60 मिनट तक हम इसकी डाई करते हैं। और इसके लिए हमें विंच और जिगर मशीन्स होती है, मशीन के नाम है ये मॉडल है जो हम यूज़ करते हैं फैब्रिक की डाइंग के लिए, ठीक है। फिर जब हमारे पास डाई कर लिया तो उसके बाद हमें कुछ आफ्टर ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट डाई जो होती है इनकी जो वॉशिंग फास्टनेस है और ड्राइंग फास्टनेस है बड़ी पुअर है, मतलब कलर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो इनकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें इनको आफ्टर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ताकि इनका जो हमारे पास डाई का मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम बढ़ा देते हैं, ताकि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है आफ्टर डाइंग वो घट जाए। जब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो कण जो होंगे डाई के वो फैब्रिक के बाहर नहीं निकलेंगे, वो अच्छे से फिक्स हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो हम कुछ मेटेलिक साल्ट के साथ फैब्रिक को ट्रीट करते हैं, जो कि हमारे पास कॉपर साल्ट के साथ करेंगे हम, क्रोमियम कंपाउंड के साथ करते हैं, फॉर्मेहाल्डिहाइड भी हम यूज़ करते हैं। फिर हम कुछ कैटायनिक डाई फिक्सिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो बेसिक डाई है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते हैं, उसकी टॉपिंग करते हैं, ठीक है। डीएजिटाइजेशन और डेवलपमेंट भी करी जा रही है डायरेक्ट डाई की, ताकि उसकी जो हमारे पास फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ है वो हम इम्प्रूव कर सकें। ये था हमारा डायरेक्ट डाई। नेक्स्ट है हमारा कॉटन की डाइंग विद सल्फर डाइज, ठीक है। सल्फर डाइज से कॉटन को किस तरह से डाई किया जाता है,
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सल्फर डाइज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो सल्फर डाइज होती है इनकी ये अपने मॉलिक्यूल के अंदर एक लिंकेज बना लेती हैं, ठीक है। और ये जो है वो पानी में घुलनशील नहीं है, वाटर इनसोल्यूबल डाइज है हमारे पास। कुछ जो है वो पार्शली सोल्यूबल है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं घुलती हैं। और इनकी लाइट फास्टनेस जो है वो बहुत अच्छी है, वॉशिंग फास्टनेस भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि इनका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज है वो बड़ा है, ठीक है। और पानी में ये वैसे ही घुलनशील नहीं है, तो क्या इनकी कलर ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, इसलिए इनकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज अच्छी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइज, सल्फर डाइज की वजह से क्लासिफिकेशन बहुत सारे तरीके से की जा रही है, पर इनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग तीन तरह से इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कि वाटर इनसॉल्युबल डाइज, जो हमारे पास कन्वेंशनल डाइज है, ठीक है। ये नाम बता रहा है कि इनसॉल्युबल है, और इनकी सेलुलोजिक जो हमारे पास कॉटन वगैरह जूट वगैरह आया उसके लिए ये सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी आ गई हमारे पास ल्यूकोसल्फर डाइज, ये हमारे पास वाटर सॉल्यूबल है। थर्ड आ गई हमारी सोल्युबलाइज सल्फर डाइज, ठीक है। तो ये सेलुलोजिक फाइबर के लिए हम यूज़ करते हैं। अब क्या क्या स्टेप होते हैं डाइंग के? सल्फर से हम जब कॉटन को डाइंग करते हैं तो उसके जो स्टेप हैं वो पांच तरह के, पांच स्टेप होते हैं। सबसे पहले आ गया डिजॉल्विंग द डाई स्टफ, जो भी डाई है उसको हमें घोलना है, ठीक है, पहला स्टेप है। दूसरा है हमारे पास रिडक्शन। तो इनसॉल्यूबल फॉर्म में आपको पता है ये पानी में घुलनशील नहीं है, तो उसको क्या करते हैं हम सॉल्यूबल फॉर्म में लेके आते हैं ताकि ये पानी में घुलनशील बन जाए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। थर्ड प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारा डाइंग। इसमें क्या करेंगे हम फैब्रिक को डाई करते हैं, डाइंग ऑफ कॉटन विद सॉल्युबलाइज लीको फॉर्म, ठीक है, इसमें हमारा डाइंग हो रहा है। फोर्थ प्रोसेस है हमारा ऑक्सीडेशन। इसमें क्या कर रहे हैं, जो सॉल्यूबल हमारे पास हमने बनाई थी सल्फर डाई, इसको दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं। कौन सी फॉर्म में? इनसॉल्यूबल फॉर्म में, ताकि इसकी फास्टनेस हमारे पास अच्छी हो। तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं सॉल्यूबल से इनसॉल्यूबल फॉर्म में। और नेक्स्ट है हमारे पास सोपिंग। इसमें क्या कर रहे हैं हम उसको वॉश कर रहे हैं, ताकि जो रिमेनिंग डाई स्टफ है जो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाया था, जो ज़्यादा है हमारे पास अमाउंट, वो निकल जाए वॉश करके और हमारे पास एक क्लियर डाइड फैब्रिक हमें मिल जाए। तो एक टिपिकल रेसिपी क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है सेम क्वांटिटी हो, बट ये मोटा मोटी हिसाब है कि इतना हम यूज़ करते हैं। तो सल्फर डाई हम करते हैं 10%, जितना हमारा फैब्रिक का वेट है उसका 10%। Na2S एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं ताकि वो सॉल्यूबल बन जाए। तो 1.5% वेट ऑफ डाई, जितनी हमने डाई स्टफ लिया उसका 1.5% लेंगे। सॉल्ट लेंगे हम, कौन सा? सोडियम क्लोराइड NaCl लेते हैं 8 ग्राम पर लीटर। इसके अलावा सोडा ऐश लिया जाता है NaCO3, किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। ये रिड्यूसिंग एजेंट था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये लिया हमने 7 ग्राम पर लीटर, जितना हमारे पास लिकर का अमाउंट था, मतलब कितना हमारा डाइंग का अमाउंट था। टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेल्सियस लेके, यहाँ 1000 है, 1000 मत समझना, यहाँ डिग्री नहीं लगा था, ये था 100 डिग्री सेल्सियस। और टाइम हमारे पास 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम लगता है। और मटेरियल टू लिकर रेशो लेते हैं हम 1:20, मतलब 1 किलो को मटेरियल को डाई करने के लिए हमें 20 लीटर पानी लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मटेरियल टू लिकर रेशो था। और सल्फर डाई से कॉटन को कैसे डाई किया जाता है उसकी रेसिपी थी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाइंग ऑफ कॉटन विद वैट डाइस। वैट डाई के द्वारा कॉटन को किस तरह से डाई किया जाता है। अब वैट डाइस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? वैट डाई भी सल्फर की तरह क्या है? इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो डायरेक्टली जो है हम डाइंग में इसको यूज़ नहीं कर पाते, क्या करना पड़ता है, पहले इनको वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में लाना पड़ता है, ठीक है। और ये सेलुलोजिक फाइबर जो भी है उनके लिए अच्छी एफिनिटी है इनकी। और हमारे पास वैट डाई को है वो दो स्टेप हैं इसके। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ वैट डाइंग इनटू वीकली एसिडिक ल्यूको फॉर्म, रिडक्शन करेंगे ताकि ये सॉल्यूबल हो पाए। और दूसरा है कि सॉल्ट फॉर्मेशन बाय NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका सॉल्ट बनाते हैं। तो क्या क्या स्टेप आते हैं हमारे पास वैट डाइंग में? तीन स्टेप हैं। सबसे पहले वेटिंग, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है आफ्टर ट्रीटमेंट। वेटिंग, ऑक्सीडेशन एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। सबसे पहला आ गया हमारे पास वेटिंग। वेटिंग से क्या कर रहे हैं हम, जो वाटर इनसॉल्यूबल थी हमारी वेट डाइज, उसको हम वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं।
इसके लिए हम कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का इस्तेमाल करा जा रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि वेटिंग एजेंट में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, किसके साथ, NaOH। फिर उसके बाद अगला आ गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, जब फाइबर ने अब्जॉर्ब कर लिया डाई को, ठीक है, जहाँ हमने सोल्यूबल फॉर्म में बना दिया था रिडक्शन में उसको, है ना, ल्यूको फॉर्म में, तो उसको फिर हम दोबारा से उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ताकि वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो वेट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऑक्सीडेंट लगाते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आ गया हमारे पास आफ्टर ट्रीटमेंट, ये फाइनल स्टेप है हमारे पास, जो है कि आफ्टर मटेरियल को हमने वीकली अल्कलाइन लीकर और डिटर्जेंट में डाला उबलते हुए पानी में, है ना। तो इससे सोपिंग से क्या होता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा कलर पिगमेंट वगैरह है, ठीक है, जो ऊपर सरफेस पे बैठा तो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको निकल जाएगा, ताकि हमारे पास जो एक क्लियर डाइंग का हमें मिल पाए और मटेरियल का जो फाइनल शेड मिल जाए और उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से इम्प्रूव करी जाती है। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एफिनिटी फॉर फाइबर, जो वेट डाइंग है वो बहुत सारे टेम्परेचर कंडीशन में और बहुत ज़्यादा टाइप के, बोला हम साल्ट यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, एल्कली यूज़ किया जाता है इस पर, और टेम्परेचर के बेस पे हम वेट डाई को करते हैं कि कास्टिक सोडा, हाइड्रो सल्फाइड और सॉल्ट जो है हमारे पास डाइंग में यूज़ करे जाते हैं, तो वो चार ग्रुप में हम उसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहला आ गया हमारे पास आईके डाइज, सेकेंड है हमारे पास IWIs, थर्ड है हमारे पास INDIs और फोर्थ है IK स्पेशल क्लास। IK में क्या है हमारे पास, लो एफिनिटी रहती है और इसमें हम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे हम थोड़ी सी एल्कली डालते हैं और सॉल्ट डालते हैं और डाई का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। सेकेंड प्रोसेस है हमारे पास IWDI, इसमें एफिनिटी जो ज़्यादा रहती है तो हम 40 से 45 डिग्री पे करते हैं और थोड़ा ज़्यादा अल्कली डालते हैं और कोई साल्ट नहीं इसमें ऐड नहीं किया जाता है, जबकि इन प्रोसेस में हमारे पास 60 डिग्री पे करा जाता है और ज़्यादा अल्कली चाहिए पर कोई सॉल्ट नहीं चाहिए। और IK स्पेशल में जो है वो डाइंग का टाइम जो है वो 45 से 60 मिनट के लिए डाइंग की जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं हमारे पास वेट डाइज की, एक तो उनकी कलर फास्टनेस बहुत अच्छी रहती है, बाकी क्लासेस में इतनी अच्छी नहीं मिलती है, पर इनकी रबिंग फास्टनेस जो होती है पुअर है, मतलब रगड़ने पे जो है कलर ब्लीडिंग इसमें होती है, ठीक है। एक इंको डाई टाइप होता है वेट डाई का, जिसमें हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं इन ऑक्सीजन की बजाय, ताकि हम डाई को फिक्स करें, ऑक्सीडेशन ना करके लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, और एक गारमेंट इंडस्ट्री में ओनली मेनली वेट डाई का यूज़ किया जाता है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, एक तो शेड रेंज जो है इसकी कम है, मतलब थोड़े भद्दे कलर इसमें डाई किए जाते हैं, ब्राइट शेड जो है इसमें डाई नहीं हो जाते। दूसरा, ये सेंसिटिव है एवरेजन के लिए, मैंने बताया एवरेजन रगड़ने पे ये ब्लीडिंग होती है इसमें, तो एवरेजन रेजिस्टेंस इसकी अच्छी नहीं है, और एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा क्रिटिकल है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, स्लोली होता है, है ना, और वूल के लिए हम वेट डाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो डिग्रेडेशन हो जाती है हमारी। नेक्स्ट आया हमारे पास डाइंग ऑफ कॉटन यूजिंग रिएक्टिव डाइज, रिएक्टिव डाइज का इस्तेमाल करते हुए कॉटन को किस तरह से डाई किया जाता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिएक्टिव डाइज की, जो हमारे पास रिएक्टिव डाइज हैं वो कटाइनिक डाइज हैं, ठीक है। हमारे पास सेलुलोज फाइबर को हम यूज़ करने के लिए मेनली रिएक्टिव डाइज का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा प्रोटीन और पॉलीमाइड फाइबर, पॉलीमाइड कौन सा है, नायलॉन, प्रोटीन वूल और सिल्क, ये सारे हमारे प्रोटीन फाइबर हैं, सेलुलोजिक कॉटन और जूट, तो इन सब के लिए हम रिएक्टिव डाई का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में मिलती हैं, पर लिक्विड और प्रिंट पेस्ट फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो डाइंग के दौरान क्या होता है, जो रिएक्टिव ग्रुप होता है इस डाई का वो कोवलेंट फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है हमारे पास फाइबर के साथ, और फाइबर के जो अंदर के पार्ट हैं उसमें चला जाता है, ठीक है। और ये सॉल्यूबल इन वाटर है रिएक्टिव डाइज हमारे पास, इनकी लाइट फास्टनेस भी बहुत अच्छी है और 6 तक रेटिंग आती है, जो कि बहुत ही अच्छी है,
ठीक है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है इनका, तो हमारे पास जो अल्ट्रा वायलेट रेज से डिग्रेडेशन है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब इनकी फास्टनेस प्रॉपर्टी जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जो भी टेक्सटाइल मटेरियल हम रिएक्टिव डाई से डाई करते हैं उसकी वॉशिंग फास्टनेस अच्छी होती है और रेटिंग बहुत अच्छी आती है उसकी वॉशिंग फास्टनेस की, मतलब जो स्केल जिस पे हम उसकी टेस्टिंग करते हैं वो अच्छा है। ठीक है, और रिएक्टिव डाई जो हमारे पास ब्राइटर शेड भी देते हैं और इसकी जो रबिंग फास्टनेस है वो भी ठीक है, एवरेज की है हमारे पास रबिंग फास्टनेस है इसकी। और जो डाइंग मेथड है हमारे पास रिएक्टिव डाई का वो बहुत ही ईजी है, कम समय लगता है और कम लो टेम्परेचर पे हम इसकी डाइंग कर पाते हैं। ये जो डाइज हैं हमारे पास रिएक्टिव डाइज बहुत ही सस्ती डाइज हैं। ठीक है, और प्रेस्पिरेशन फास्टनेस भी इसकी 4 से लेके 5 तक है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अब डाइंग मैकेनिज्म क्या है रिएक्टिव डाइज का, जब भी हम कोई मटेरियल डाई करते हैं तो वो 3 स्टेजेस में डाई होता है। सबसे पहला है कि एग्जॉशन ऑफ डाई हो जाता है, मतलब एग्जॉशन मतलब जो फाइबर है फैब्रिक है वो उसको एग्जॉस्ट करेगा, मतलब उसको सोखेगा। सेकंड स्टेप है हमारे पास फिक्सेशन, तो अल्कली डालेंगे हम कोई भी तो फिक्सेशन हो जाएगा, मतलब जो अंदर कला गया वो एकदम से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, मतलब उस पर फिक्स हो जाएगा कलर फाइबर के अंदर। और थर्ड प्रोसेस है हमारा वॉश ऑफ, जो हमारे पास एक्स्ट्रा डाई थी जो हमारे फिक्स नहीं हो पाई उसको मटेरियल की सरफेस से हटा लेंगे ताकि उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो पाए और धोते टाइम उसकी कलर ब्लीडिंग ना हो। तो प्रोसेस सीक्वेंस क्या है जब भी हम कॉटन को डाई करते हैं रिएक्टिव डाई से, सबसे पहला है हमारे पास प्रोसेस कलेक्शन ऑफ प्री ट्रीटेड सैंपल। एक सैंपल लेंगे, ठीक है, एक पानी का लेवल तैयार करेंगे, उसके बाद उसका लेवलिंग एजेंट डाला जाता है, फिर उसमें डाई डालेंगे, डाई के बाद उसमें सॉल्ट डलेगा, सॉल्ट के बाद सोडा एश डालेंगे, फिर फैब्रिक डलेगा, फिर हम टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस पे ये डाई होता है, ठीक है, रेज द टेम्परेचर टू 60 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको 30 मिनट के लिए हम डाई करेंगे, फिर जितना भी वो लिक्कर था उसको मतलब फैब्रिक को उस लिक्कर से निकाला जाता है, ठीक है, और फिर उसको धो लिया जाता है। ठीक है, उसको निकाला धो लिया, उसके बाद उसको गर्म पानी से 90 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट तक धोते हैं, ठीक है, और उसके बाद कपड़े को सुखा लिया जाता था। ये प्रोसेस है हमारा कॉटन डाइंग का यूजिंग रिएक्टिव डाइस। ये था आपका कॉटन डाइंग यूजिंग, कौन कौन सी डाइस के इस्तेमाल करके करी हमने, डायरेक्ट, रिएक्टिव, वैट और सल्फर डाइस। थैंक यू।